हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है दीपक नाइट्राइड। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। लगभग टॉप से 23% डाउन है। एक ब्रेकआउट के बाद में एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया, वहां पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया और फिर एक अच्छी मूवमेंट, अच्छी रैली दिखाई दे रही है। तो अगर 2-3 साल का नजरिया हो तो अपने को कहां पर बाइंग करनी चाहिए उसके डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, मुथूट फाइनेंस, एफएल इंडिया और पोशाक लिमिटेड के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सबसे स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, जिस तरह से अपन स्कूल में जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरह से टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, अंत तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगी जरूर। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये दीपक नाइट्राइड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले बात करें हम ट्रेंड की। देखो दोस्तों, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में अगर इसको मैं 5 सेकंड के लिए बोलूं और 5 सेकंड में अप ट्रेंड की बात करें तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो मैं यहां पर करूंगा। सीधी सी बात है, कैसे कि देखो अप ट्रेंड का क्या होता है, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है, स्टॉक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद में नीचे डाउन ट्रेंड में आता है तो पहले लोअर टॉप पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा फिर नीचे की तरफ आएगा। उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाना होता है तो डाउन ट्रेंड से अगर उसको अप ट्रेंड में जाना होता है तो यहां पर जो लोअर टॉप पैटर्न बने हुए हैं यहां पर, ठीक है, एक टॉप माना एक बॉटम माना और उसके बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे तो लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो 5 सेकंड की बात करें तो हम देखिए इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, लगभग 2300 के लगभग है। इसको अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है, इसको ब्रेक करते ही मैं सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप और भी चीजें समझते हैं। देखिए सबसे पहले अपने ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई, कोई भी स्टॉक होता है तो जैसे इस तरह से अगर उसकी रैली है तो मान चलो एक बार वो नीचे जरूर, मतलब नीचे आ जाएगा, उसमें अपने को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, मैं हर बार बोलता हूं कि 45 डिग्री के एंगल में अगर कोई स्टॉक है तो वो एक बहुत ही अच्छी आपको रैली देगा। अब इसमें देखिए 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से किस तरह से, देखो आराम से इसने अब ये एग्जैक्ट 45 डिग्री मान लीजिए आप, और एक अच्छी रैली दी है इसने, बहुत ही लंबी यात्रा दी है कोविड के बाद में, कोविड के बाद में शानदार रैली दी है इसने, लगभग 6-7 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया, ठीक है। तो अब ट्रेंड में क्या होता है, एक टॉप माना एक बॉटम माना और ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप और नीचे वाला हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम। तो कहने का मतलब है कि देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। अब इसको टॉप माना बॉटम माना, ऊपर वाला टॉप हायर बॉटम हो गया। अब इसको अगर नीचे की तरफ आना होगा तो ये लोअर टॉप पैटर्न यहां पर बने इसको ब्रेक करेगा तब इसमें नीचे की तरफ आएगा। और आप देख सकते हो कि इसमें 2200 के लगभग ही नीचे की तरफ ब्रेक किया था और फिर नीचे की तरफ आया था, तो यहां पर इसका ट्रेंड चेंज हो गया था, डाउन ट्रेंड हो गया था। अब बात करते हैं देखिए डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। किस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से बनते हैं, एक टॉप लगाया एक बॉटम, एक टॉप एक बॉटम, इस तरह से। तो अब अगर स्टॉक को अब ट्रेंड में एक टॉप मान लिया एक बॉटम मान लिया तो लोअर टॉप लोअर बॉटम हो गए। अब यहां से ऊपर की तरफ इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना होगा तो ये लोअर टॉप पैटर्न होगा, यहां पर इसको ब्रेक कर देगा तो ये इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि अपन जैसे छत से नीचे आते हैं, सीढ़ियों से नीचे स्टेप बाय स्टेप आते हैं, अगर वापस अपने को छत पे ऊपर जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी, ध्यान से सुनिए, पहले वाली सीढ़ी को ऊपर की तरफ ब्रेक करके फिर अपन निकलेंगे तो इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसका यहाँ पर ट्रेंड चेंज इस तरह से होता है। तीसरा होता है दोस्तों साइडवेज, ये कंसोलिडेट फेज होता है। इस साइडवेज को अपने को क्या अवॉइड करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, यहाँ पर बाय करके यहाँ पर सेल करना होता है। इसमें अगर उसको ब्रेकआउट करता है यहाँ से ऊपर वाला या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये ऐसा पैटर्न आपको पॉलीकैप इंडिया में देख सकते हो, जाके चार्ट में एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर वो ट्रेड कर रहा था और उसी के अंदर इसने बाद में ब्रेक किया है। ब्रेकआउट का तरीका, 2 तरह से ब्रेकआउट होता है कोई भी, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि देखिए ट्रेंड का बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे। अब अगर 2300 को ब्रेक कर देगा तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा दोस्तों। ट्रेंड चेंज मतलब एकदम लगभग
हो ही नहीं वाला ये, लेकिन इससे पहले सिग्नल दे दिए। कौन से सिग्नल? एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है उसका सिग्नल दे दिया, 200 मूविंग एवरेज है उसका सिग्नल दे दिया, और यहाँ पर बाद में ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो अपने को तीन तीन चीजें साथ में होगी। तो अपना जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना विश्वास बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा विश्वास से ही बनता है, टेक्निकल चार्ट से नहीं बनता। अपने को विश्वास होना चाहिए कि ये अपना जो भी है वो काम करेगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए, और इसमें दो दो तीन तीन कंफर्मेशन मिल जाती है तो आपको इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है। केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे एक्सप्लोसिव है उनमें भी केमिकल यूज में आता है, अलग अलग आता है। फंडामेंटल भी ठीक है, तो फंडामेंटल भी हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे एक बार, तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक बार इसका पैटर्न कौन सा बन रहा है। देखो इसमें एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, ट्रेंगल पैटर्न उसके बारे में दोस्तों इसमें एक बार हमने डिस्कस किया था कि देखिए ट्रेंगल पैटर्न ये बन रहा था, ये ट्रेंगल पैटर्न इसका बन रहा था, ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था, ट्रायंगल पैटर्न को उसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस इसका पुल बैक पैटर्न आया था, पुल बैक पैटर्न आके और फिर ऊपर की तरफ निकला है। पुल बैक पैटर्न कह सकते हो, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, या अंदर आया थोड़ा बहुत और फिर वापस निकल गया। तो यहां पर देखो कोई ना कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, इसको बोलते हैं कौन सी कैंडल, इसको बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। और डबल बॉटम पैटर्न बना के और डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया। अब कंफर्मेशन अपने को ये 2300 को निकल जाएगा तब 100% कंफर्मेशन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसका ट्रेंड का साइकोलॉजी थोड़ी सी बची हुई है तो यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट कर सकता है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था एक दो महीने पहले तो ये नीचे आ रहा था, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आना चाहिए तो इसके पास में यहाँ पर जगह बची हुई थी दोस्तों, कहाँ तक आ सकता था मैं इसमें हम डिस्कस देखो यहाँ तक हमने लेवल डिस्कस किए थे कि यहाँ तक आ सकता है, मतलब कि यहाँ तक आ सकता था ये मेजर सपोर्ट। दो एक तो ये लेवल बचा हुआ था, दूसरा इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो एक लेवल दो तीन लेवल के बारे में डिस्कस किए कि वहाँ से जरूर रिवर्स होगा। ये एक ये देखो ये इसको अगर यहाँ आना चाहता तो यहाँ आ सकता था, ब्रेकआउट होके वापस भी अगर कई बार आ जाता है ब्रेकआउट फेल हो जाता है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम है तो मंथली टाइम फ्रेम आपको देखोगे तो एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न टाइप का बना है, तो नीचे आना चाहता तो आ सकता था। और इस मंथ का मतलब आज अपन बात करें 30 अगस्त की, तो महीना कल कल का बचा है, तो यहाँ पर देखो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न रेड कैंडल का आया और फिर इसमें इसको बुलिश इनकमिंग पैटर्न बन चुका है, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है। अगर इसको कल अगर ऊपर ही रहता है तो बाद में एक अच्छा मूवमेंट इसको रैली आपको दे देगा 2300 को ब्रेकआउट करने के बाद। तो अगर लेवल हमने डिस्कस किए थे कि इस लेवल के पास में आ सकता था लेकिन नहीं आया, मंथली टाइम फ्रेम में पुल बैक पैटर्न आया और पुल बैक पैटर्न के बाद में बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है। और फिर बाद में एक चीज आपको यहाँ और दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, यहाँ देखिए दो डबल बॉटम पैटर्न बना है। अब इसमें रैली कितनी आएगी वो देखना, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना है, ये डबल बॉटम पैटर्न है, ये यहाँ पर दोस्तों इसका ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ डब्लू पैटर्न का मतलब डबल बॉटम पैटर्न होगा, डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड भी चेंज होगा और डबल बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तो इसको रैली बाद में ये लगभग इसका टारगेट है। डबल बॉटम पैटर्न बनता है इसको, अगर इसका टारगेट देखिए डबल बॉटम पैटर्न का किसी को होता है तो इसका टारगेट कौन सा होता है, जो ये इसकी दूरी होती है ना, जो ये डिस्टेंस होती है वो इसके इसका टारगेट होता है। तो ये मान के चलो इसको अगर ब्रेकआउट करेगा, ये डबल बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा मंथ वीकली टाइम फ्रेम में ना, मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होता है तो फिर रैली आपको मतलब इसका 3000 के लगभग तो ये जाएगा ही जाएगा। एक बार रुकेगा जो ये टॉप लगाया हुआ है लगभग होगा 3200 या 31 के लगभग होगा, वहां पे जाके रुक सकता है। जो यहां पर जो रेजिस्टेंस है यहां पर जाके रुक सकता है। इसका ब्रेकआउट किस तरह से होगा, यहां पर रुकने के बाद में जैसे लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा यहां से, तो फिर बाद में इसका रेजिस्टेंस एक तो ये रह सकता है 2700 के लगभग है, फिर बाद में जो मेजर रेजिस्टेंस है यहीं तक रहेगा। तो इस रेजिस्टेंस को अपने को किस तरह से, कोई भी रेजिस्टेंस ध्यान से सुनिए, कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो दो तरह से होता है। जैसे इसमें क्या हुआ, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था तो इसमें क्या देखिए ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, पुल बैक पैटर्न के बाद में यहां पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिए और अब इसका बाइंग का ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो इसका बाद में कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है यहां पर आके अगर अचानक चला जाए, ठीक है अचानक चला जाए तो वापस बाइंग ट्रे इसका पुल बैक पैटर्न आएगा, रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको, रिट्रेसमेंट आके इस जो रेजिस्टेंस है
इस रेजिस्टेंस पे यहां पर क्या करेगा, ये कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, जिस तरह से यहां पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनी है, यहां पर भी कोई ना कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। दोस्तों बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक के बारे में हम डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसमें क्या कि अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न का अलग अलग एक्यूरेसी रहता है, जैसे हैमर है अलग, इसका एक्यूरेसी अच्छा रहता है, फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का इसका 80 से 90% एक्यूरेसी रहता है, और दूसरी होती है पियर्सिंग पैटर्न आदि, उनका जैसे उनका एक्यूरेसी कम होता है थोड़ा, तो इसका एक्यूरेसी इस तरह से बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है तो इसका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसके बाद में इसको ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, अपन बाय कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए, पहला तो ये होगा, इस तरह से ब्रेकआउट होगा, फिर बाद में देखो यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। ध्यान से एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगर ये हुआ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो अचानक कैंडल निकल दी, कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना। यहाँ पर होता है बाइंग, यहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, इसका ब्रेकआउट तो इसके बाद में होगा, इसको अपने नजर में ध्यान रखना है, लेकिन क्या है कि अपने को यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो स्टॉपलस बहुत ही अच्छा छोटा होता है और अपने को अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, और ज्यादातर में इसी में मतलब 80-90% ऐसे ही होता है। दूसरा अपने को बाइंग करते हैं, ब्रेकआउट किस तरह से होता है, ये तो इस यहाँ जाके ये रुकेगा, एक दो बार रुके वापस भी आएगा, वापस आएगा तो सपोर्ट ये मतलब थोड़ा बहुत नीचे आएगा, इतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आके फिर बाद में ट्रेड लाइन के पास में, ये ट्रेड लाइन जो भी रेजिस्टेंस है इसके पास में यहाँ रुकना चाहिए, रुक के और फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा इस तरह से, तब अच्छा मूवमेंट आएगा। दो तरह से ब्रेकआउट होगा, तो अपने पास एसएल छोटा होगा और फिर अच्छा मूवमेंट आपको अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। इस तरह से अपने को इस स्टॉक में ध्यान रखना है, मतलब कि 32 जो भी इसका रेजिस्टेंस है, कौन सा क्या रेजिस्टेंस है, देखिए 32 मतलब 30-50 के लगभग है, मतलब 3100 के लगभग मान लीजिए ज्यादा मैक्सिमम, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये तो टारगेट इसका मिलना मिलना है, फिर बाद में 4000 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसका देखिए लगभग अक्टूबर 21 से 2 साल एक कंसोलिडेट फेज में था। कोई भी स्टॉक में एग्जैक्ट ये मान के चलिए, कोई भी स्टॉक इतनी रैली दे देता है तो मिनिमम 1.5-2 साल तो आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, मिनिमम 1-2 साल रेंज बाउंड एरिया रहे। क्यों रहता है कि ये अपने प्राइस को एडजस्ट करता है, जिस तरह से अलग अलग बिजनेस में अलग को प्राइस एडजस्ट करते हैं, जैसे जैसे कपड़े की दुकान है, दूसरे और भी जैसे सीजनेबल होते हैं, जैसे बारिश के बरसात के टाइम होता है या फिर सर्दियों के कपड़े होते हैं, तो अगर वो एक ही दुकान में सामान लेके बैठ जाता है तो उस समय में जिस समय में मतलब कि उसका सीजनेबल होगा उस समय में ज़्यादा बिक्री होगी और वो और महीने में प्राइस को एडजस्ट करता है। कोई सा भी डिपार्टमेंट मान लीजिए आप, जैसे मेडिकल है तो मेडिकल में सर्दियों में बारिश के मौसम में इनमें ज़्यादा मतलब के बीमार होते हैं तो उनकी वो ज़्यादा बिक्री होती है। दूसरे कपड़े की दुकान मान लीजिए, स्टेशनरी जो स्टेशनरी सामान होता है उसका अपन जुलाई अगस्त में मानते हैं, उस टाइम एग्जाम होता है तब ज़्यादा बिक्री होती है। तो इसी तरह से अलग अलग बिजनेस का मॉडल होता है, अलग अलग प्राइस को एडजस्ट करते हैं, उसी तरह से इसमें भी एडजस्ट अपने को करना है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, लगभग 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है, और यहाँ पर बाद में अपने को 4000 के लगभग भी टारगेट दिखाई दे सकती है। नीचे अपने को ध्यान रखना है कि ये लेवल जो अभी जो देखिए मैं वीकली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, अब नीचे ये लेवल नहीं कटने चाहिए, मतलब पहली बात तो इसके जो लेवल मतलब 1900 है और नहीं आने चाहिए, ठीक है, वो आ गए तो फिर बाद में नीचे की तरफ यात्रा कर सकता है, उसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन अपने को पता होना चाहिए, टेक्निकल चार्ट को अपने को समझना है, समझने से क्या कि आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे और अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, जो भी मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग करो चाहे सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन अपने को ध्यान रखना चाहिए कि इस लेवल जो ये लेवल बचा है 1900 का, ये कटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, ये ध्यान रख लेना, और ऊपर की तरफ यात्रा है स्टॉपलस ट्रेल करके, और आपको ये रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पर मिलेगा ये मिलेगा, और उस तरह से 4000 भी जा सकते हो। जो पहले से इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं, एकुमुलेट करना चाहते हैं वो एकुमुलेट भी कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। छोटा अगर वापस यहाँ ट्रेड लाइन के पास में थोड़ा बहुत इसमें देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या कि इसमें बहुत ही अच्छी 2-3 जैसे कैंडले बना रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत नीचे मिल जाता है तो भी अपन बाइंग कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों रणनीति बनाई जा सकती है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कंटेंट अच्छा नहीं लगा डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही है, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
और सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो, उसमें भी जुड़ सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।